को संध्या 7 बजे ब्रेकर के विवाद के लिए लफड़ा हुआ। गांव के ही कुछ लोग थे, गुड्डू कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह, मनु कुमार सिंह, सुजीत कुमार सिंह और बाबा अमन कुमार सिंह। तो लफड़ा बढ़ गया, फिर वो गेट तोड़ते हुए अंदर आए, फायरिंग करते हुए। फायरिंग का निशान है, दूसरा जो है सब फायरिंग दीवार पर की है, तीसरा जो है सब फायरिंग है, फोका सब बिखरा हुआ है, मेरे हाथ में लगा। कंटिन्यू नहीं चलेगा ना, कंटिन्यू तब होगा। सुनिए ना सर, पहले जैसे मेरे कॉल हो रहे हैं, ये मेरे हाथ में गोली लगा, ये दरवाजा बंद किए तब तक यहाँ से गोली चलाया, दरवाजा जब बंद किए तो मेरे हाथ में गोली लगा, मैं गिरा। मेरी माँ जो है सो 100% है, आँख एक अंधी है, दृष्टिपुंज पटना से इलाज चलता है मेरी मम्मी का, और हार्ट का इलाज भी चलता है पटना से ही। 15 दिन बाद ऑपरेशन का डेट फिक्स था, वो पैसा रखा हुआ था, जेवरात रखा हुआ था, वो घर का नवारी तोड़ करके और यहाँ से लूट के ले गया, ताला नहीं टूटने के कारण घर का अनवारी ही तोड़ दिया, फाड़ करके ले गया। इसमें से 3 लाख रुपये का जेवर और 25,000 नगद ले गया। टीवी फोड़ दिया, फ्रिज फोड़ दिया। मेरा हत्या हो सकता है सर, इसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा सर, क्योंकि घटना 15 तारीख को था और 22 तारीख का जो गई, आज तक बड़ा बाबू खुद खोखा तक नहीं ले गए, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किए। तो इससे पहले जो आप गए थे थाना पे, गए थे तो थाना वाला फिर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया, पंचायत पर छोड़ दिया गया। अच्छा, पंचायत पर छोड़ दिया गया? पंचायत पर छोड़ दिया गया, पंचायत के 15 दिन टाइम दे दिए गए। अच्छा, पंचायत के लोग सब 15 दिन बाद होगा, हमको फुर्सत नहीं, हमको फुर्सत नहीं। इस बीच में आरोपी लोग सब रोज रात को धमकते हैं 12 बजे 1 बजे, गाली गलौज के साथ दारू फूल पी के माधव चौक बहन चौक गेट में धक्का मारते हैं, ताला में धक्का मारते हैं। मतलब घटना होने के बाद भी अभी भी आ रहे हैं जी, रोज ढेला फेंकता है सर, और बोलता है माधव चौक लिख के दो थाना प्रभारी को, जो कम्प्रोमाइज हो गया नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा, फिर भी धमकी आपको नहीं रहा? जी, जान से मार देंगे, और पुलिस प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा। पूर्व से मेरे पर 4 केस था सर, उस केस में मैं रिहाई ले चुका हूँ, इसके कारण बड़ा बाबू मेरा जैसे मैं गया खोखा लेकर के बड़ा बाबू को सुरक्षित करने। बड़ा बाबू अब बोलेगा। पूर्व से मेरे पर सर केस था 8 साल पुराना, जिसमें हम न्यायालय से 3 केस पर रिहाई ले चुके हैं, 1 केस पर बेल पर हैं। यही बात बड़ा बाबू हमको बोले, साले तुम पर कितना केस है, तुम इसका फोटो ले लो, प्रशासन में डाल दो और खोखा लो, घर जाओ, कल अच्छा आदमी को लेकर आना, फिर FIR लेंगे। और FIR से मैंने अभियुक्त जो मेरा इलाज कराया कि गश्ती दल आए 2 बजे रात में, मैंने अभियुक्त उदय सिंह को अरेस्ट किया गया, उसे FIR ही मेरा सना ही बदल दिया गया थाना से, वो दस्तखत जो सना है थाना में वो मेरा सना ही नहीं है, तो मेरा दस्तखत ही नहीं है। कोर्ट में केस किए हैं फिर दोबारा, और वो सना ही बदल दिए गए, और मैंने अभियुक्त को छोड़ दिया गया हाजत से पकड़ने के बाद 24 घंटा बाद सर, उदय कुमार सिंह जो गोली मेरे हाथ में मारा था सर। और सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेंद्र कुमार झा, पिता स्वर्गीय सदेव नारायण झा, ग्राम रामकृष्णपुर, पोस्ट कर्पूरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, वार्ड 2।